Hello guys, today we learned about sex determination in human beings. So let's start it. Sex determination, first non-genetically and the second is genetically. Non-genetically, in which there is no involvement of genes, जिसमें genes का कोई भी involvement नहीं होता. For example, environmental cues in turtles, alligators, crocodiles, temperature at which fertilized eggs are kept determines the sex. In a snail, individual can change sex. It means that in a single individual, both the sexes are present, whether it is male or female. Second, genetically, in which the genes are involved. In human cell, 23 pairs of chromosomes and the total chromosomes are 46. 23rd pair of chromosome determines sex. Total chromosomes में से जो 23rd pair होता है chromosome का वो determine करता है sex को. Sex of baby is determined during the first है हमारा fusion of gametes and the second is fertilization. हम बेबी का सेक्स कब जान सकते हैं? पहला है हमारा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के दौरान और सेकेंड है हमारा फर्टिलाइजेशन के दौरान. इन फीमेल्स द क्रोमोसोम पैटर्न इज एक्स एक्स एंड इट इज कॉल्ड परफेक्ट पेयर. फीमेल्स में जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो एक्स एक्स होता है और ये परफेक्ट पेयर होता है. इन मेल्स द क्रोमोसोम पैटर्न is XY and it is also called mismatched pair. इसको mismatched pair भी कहा जाता है. और the haploid gametes ova produced by the female have the sex chromosome X, where in the male gametes sperm the sex chromosome could either be X or Y. फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो एक्स एक्स होता है, जबकि मेल्स में क्रोमोसोम पैटर्न एक्स वाई होता है. सो जो मेल गैमीट स्पर्म है वो कैरी करता है एक्स या फिर वाई. 50% ऑफ स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम व्हाइल द अदर 50% कैरी द वाई. आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट the zygote would carry either XX or XY, depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. It means that पूरा depend करता है कि sperm क्या carry करता है, X chromosome carry कर रहा है या Y chromosome carry कर रहा है. और वो जब female gamete के साथ fuse करता है, it means जब male का sperm एक्स कैरी करता है और वो फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज करता है, तब जायगोट डेवलप होता है फीमेल बेबी में. लेकिन जब स्पर्म कैरी करता है वाई और वो फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज करता है, तब जायगोट डेवलप होता है मेल बेबी में. यानी कि बात वहीं पर आ गई है, फीमेल का जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो एक्स एक्स होता है और जो मेल का क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो एक्स वाई होता है. तो पूरा डिपेंड करता है कि स्पर्म क्या कैरी कर रहा है, कि वो एक्स को कैरी कर रहा है या वाई को कैरी कर रहा है. और जब वो फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है तो कौन सा किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है. सो इन ह्यूमंस वी कैन से दैट स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स और फादर मेल डिटरमाइंस द सेक्स. तो स्पर्म डिटरमाइन करता है कि सेक्स कौन सा होगा. सो इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर. सो आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियो एंड माय एफर्ट्स एंड थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन.